नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। यूपी में अब छेड़छाड़ करने वालों की शामत है। जी हां, ऐसा हम नहीं, ऐसा खुद खबरें बयां कर रही हैं। हाल ही में यूपी में एक छेड़छाड़ की शिकायत लेकर महिला जब पुलिस थाने गई तो पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया जो आरोपी जिंदगी भर याद रखेगा और छेड़छाड़ करने से पहले 100 बार सोचेगा। ऐसा क्या एक्शन हुआ, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर नवरात्र के पहले दिन से ही एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान फिर से शुरू हो गया है। सचिंडी में एक मंचले से परेशान एक महिला की शिकायत पर एंटी रोमियो स्क्वाड ने मंचले को पकड़ लिया। इसके बाद थाना प्रभारी ने छेड़छाड़ की शिकायत पर महिला से मंचले को चप्पलों से पिटाई कराई और माफी मंगवाई। इतना ही नहीं, महिला कांस्टेबल ने भी उसकी जमकर धुनाई की। इसके बाद आरोपी लड़के के खिलाफ FIR दर्ज की गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। चलिए पहले आपको ये वायरल वीडियो दिखा दें। तो देखा आपने कैसे दोनों महिलाएं पीड़ित और महिला कांस्टेबल मंचले की जमकर धुनाई कर रहे हैं। जी हां, यही है सीएम योगी का नया यूपी, जहां महिलाओं को परेशान करने वालों की होगी यही हालत। महिला के साथ छेड़छाड़ पड़ेगी भारी। सचेनी में रहने वाली एक महिला के साथ युवक कई दिनों से छेड़खानी कर रहा था। इससे परेशान होकर महिला ने मंचले के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत पर एंटी रोमियो स्क्वाड मंचले को पकड़कर थाने ले आई। इसके बाद पीड़िता को भी थाने बुलाया गया। थाना प्रभारी विनोद सिंह ने मंचले की महिला से पिटाई कराई, साथ ही महिला कांस्टेबल ने भी आरोपी को जमकर पीटा। वहीं थानेदार ने इस पर बड़ा बयान दिया है। जी हां, थानेदार ने कहा कि अगर योगी राज में छेड़छाड़ जो करेगा उसे इसी तरह की सजा दी जाएगी। थानेदार ने आरोपी की पिटाई का वीडियो बनाकर पब्लिक कर दिया। कुछ ही घंटों में आरोपी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इस वीडियो को लेकर लोग अलग अलग चर्चाएं कर रहे हैं। जी हाँ, सचेनी में रहने वाली एक महिला के साथ युवक कई दिनों से छेड़खानी कर रहा था। हद तो तब हो गई जब आते जाते पीछा भी करने लगा। छेड़खानी से परेशान होकर महिला ने आरोपी के खिलाफ सचेनी थाने में अपनी शिकायत दर्ज करी। महिला की शिकायत पर थाने की एंटी रोमियो स्क्वाड ने मंचले को दबोच लिया और थाने ले गई। इसके बाद पीड़िता को भी पहचान के लिए थाने बुलवाया गया। थाना प्रभारी विनोद सिंह ने पीड़ित महिला से ही मंचले की पिटाई करवाई। इतना ही नहीं, महिला कांस्टेबल ने भी आरोपी को जमकर धुना। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।